हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अंकित मैथ्स डॉक्टर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिवाइड द पॉलीनोमियल पी एक्स बाय द पॉलीनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और क्वेशेंट और रिमाइंडर हमें बताना है, यानी कि भागफल और शेषफल हमें बताना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पी एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री और जी एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस टू। तो हम पी एक्स को अंदर लिख लेंगे। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जी एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस टू। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो है, सबसे पहले नंबर पे है साइन, उसके बाद कोफिशियंट, उसके बाद पावर। साइन कोफिशियंट जो गुणांक होगा और पावर जो शक्ति होगी, उसकी पावर होगी। तो हमें करना क्या है इन क्वेश्चंस में, हम जी एक्स का पहले वाला और पी एक्स का पहले वाला देखेंगे, उनमें हम ये तीनों चीज़ें मिलाएंगे, साइन कोफिशियंट और पावर। हम देखते हैं साइन, इसका भी साइन प्लस का है और इसका भी साइन प्लस का है, जो तो हमारा क्वेशेंट जाएगा वो भी प्लस का जाएगा और शुरू में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्वेशेंट को यहाँ यहाँ लिखूँगा यहाँ की बजाय, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ लिखूँगा मैं। उसके बाद कोफिशेंट, यहाँ वन है और यहाँ भी वन है, वो भी कम्प्लीट है। मुझे ये देखना है कि इसके पहले में जी एक्स के पहले में और पी एक्स के पहले में किस चीज़ की कमी है, साइन की, कोफिशियंट की और पावर की। तो साइन इक्वल है, कोफिशियंट इक्वल है पावर। पावर मैं देखता हूँ यहाँ एक्स स्क्वेयर है और यहाँ एक्स क्यूब है, यानी कि एक्स की एक पावर की कमी है, तो वो कमी मैं लिमिटेशन यहाँ लिख लेता हूँ। अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे हम, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर के साथ करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स की मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ होगी तो माइनस टू एक्स। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर लिखेंगे और खाली एक्स के नीचे खाली एक्स लिखेंगे। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाने पर। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है कोई निशान नहीं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस का है और एक्स क्यूब माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो बड़ी पावर होगी उसको हमें आगे रखना है। अगर हम इसको सोल्व करके लिखते हैं और एक ऊपर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर है, तो हम अगर आप सोचते हो कि इनमें से पहले किसको सोल्व करें, तो हमें बड़ी पावर को आगे रखना होगा हमेशा। तो माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, उसके बाद ये प्लस फाइव एक्स है और ये प्लस टू एक्स है। अब इसका निशान ये माइनस नहीं है, इसका निशान है जो साइन है प्लस टू एक्स, तो फाइव और टू प्लस सेवन एक्स हो गया। उसके बाद ऊपर है ये माइनस थ्री, इसको भी हम नीचे लेकर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर, हमें इसके पहला और यानी कि जी एक्स का पहला और पी एक्स का पहले वाला, उसकी कंपैरिजन करनी है। सबसे पहले साइन, ये प्लस का है और ये माइनस का है, अगर ऑपोजिट साइन है तो क्वेशेंट माइनस पे चलेगा तो ये माइनस आएगा। यहाँ कोफिशेंट, यहाँ वन है और यहाँ थ्री है, वन थ्री जा थ्री, यानी कि थ्री जा, ये थ्री जा पे चलेगा, तो एक इसकी कमी थी। उसके बाद पावर, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, पावर सेम है, तो पावर कुछ नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ माइनस थ्री पे चलेगा।
तो -3 की जब हम एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमने -3 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इनके नीचे लिखना है जहाँ भी फिक्स होती हो। -3 की एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 एक्स स्क्वेयर। -3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे -2 के साथ तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 3 × 2 = 6 तो ये आ जाएगा +6, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है जो उसके नीचे ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का, और ये प्लस का था तो ये माइनस का। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जब वो साइन चेंज करते हैं तो ऊपर वाले में जैसे ये खाली है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो वो इसका भी साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, साइन चेंज होता है सिर्फ नीचे वाले का, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 7x है, उसको हम आगे लिखेंगे। -3 और -6, अब 6 का जो साइन है वो माइनस का है, यानी कि प्लस का साइन अब इसका नहीं है, तो -3 और -6 हो जाएगा -9। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ तक होने के बाद, फिर इसका पहले वाला और इसका पहले वाला हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसकी पावर तो है 2 और इसकी पावर है 1, यानी कि सिंगल पावर है। जब नीचे सिंगल मतलब जब नीचे पावर कम रह जाती है ऊपर वाले की बजाय, तो क्वेश्चन हमारा वहीं कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो हमसे पूछा गया था कि QX, क्वोशेंट और रिमाइंडर बताइए, यानी कि RX बताइए। तो QX आ गया है हमारा x-3, ये रहा, और RX हमारा आया है 7x-9। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।